टाणा 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 टाणा, अब जलाते हैं इसे। अरे चलना यार, आगे तो बढ़। तो गाइस यार, अब ये जो रिमोट कंट्रोल वाली कार है ना, ये मेरी फेवरेट हुआ करती थी, लेकिन अब ये अपने टाइटेनियम आर्मी के लेवल की बिल्कुल भी नहीं रही है। अब हमें जरूरत है टाइटेनियम आर्मी के लेवल की गाड़ी की। तो गाइस यार, आप लोगों के लिए यानी कि अपनी टाइटेनियम आर्मी के लिए हमने सिंपली अपने टाइटेनियम आर्मी के लेवल की तो गाइस यार, आप ही लोगों के लिए और साथ ही साथ कुछ दमदार करने के लिए हमने सिंपली हमारी इस रानी को ही रिमोट कंट्रोल बना दिया है। जी हाँ गाइस, अब ये जो इतनी बड़ी गाड़ी है ना, आई मीन बिग बॉय टॉय, अब ये रिमोट कंट्रोल से चलती है। और गाइस, इस गाड़ी को हम इस रिमोट से भी चला सकते हैं, इस गाड़ी को हम इस एक्स बॉक्स के रिमोट से भी चला सकते हैं। लेकिन गाइस, ये जो एक्स बॉक्स का रिमोट है ना, इसकी रेंज इतनी ज़्यादा नहीं है, इसीलिए अभी के लिए हमने सिंपली इस गाड़ी को इस रिमोट के साथ में अटैच किया है और इसी की मदद से ये जो गाड़ी है वो चलती है। और गाइस यार, साथ ही साथ इस गाड़ी के अंदर से हमने, आप देख सकते हैं कि सीटें वीटें सारी निकाल रखी है, ड्राइवर के लिए इसके अंदर कोई भी जगह नहीं है। आप देख सकते हैं कि पीछे सवारी बैठ सकती है, लेकिन ड्राइवर के लिए यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है। तो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हमारी गाड़ी का ब्रेन है, उधर से दिखाओ, यहाँ पर हमारी गाड़ी का ब्रेन है और इस ब्रेन को इस दो दो बैटरी से पावर मिलती है। और साथ ही साथ स्टेयरिंग व्हील को हमने निकाल के इसे मोटर के साथ में कनेक्ट किया है। हमारी इस गाड़ी के ब्रेन के अंदर चार चार आर्डुइनो है जो कि इस गाड़ी के साथ में प्रोग्राम्ड है। साथ ही साथ कई सारे मोटर ड्राइवर्स हैं जिससे कि जितनी भी मोटर्स हैं वो सारी चलती है। गाइस, कहने को तो काफ़ी आसान लगता है, लेकिन इस गाड़ी को रिमोट कंट्रोल बनाने के लिए हमें, यानी कि मुझे और मेरी टीम को, पूरे 2 महीने का वक्त लगा। और ये गाड़ी इस चीज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आपने कहा ना कि हमारी इस रानी के साथ में कुछ भी करो, ये सब कुछ जेल जाती है। तो चलो फटाफट से आपको ज़्यादा बोर नहीं करता हूँ, इंट्रो लगाता हूँ। आप बस इस वीडियो को लाइक कर दो, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जिसका भी सपना है ऐसी किसी गाड़ी को रिमोट से चलाने का, GTA वाली गाड़ी रियल में, तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक भी करना। और हम, मैं पागल हो रहा हूँ, मुझे बस इसे चलाना है, इंट्रो चला रहा हूँ, वीडियो को लाइक करो जल्दी जल्दी, कम ऑन। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। दो गाड़ी को पावर दो। ऑलराइट गाइस, तो चलो अब ब्रेन को और सारी मोटर्स को पावर देते हैं, ढंग से देना सारी चीज़ों को, ठीक है? ब्रेन को और सभी चीज़ों को पावर दे देते हैं, लगाओ। ऑलराइट ठीक है। ऑलराइट गाइस, अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके फंक्शंस। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं यहाँ पर स्विच को पुश करता हूँ, हमारी जो गाड़ी के ब्रेक्स हैं, ब्रेक्स दिखाओ, जो गाड़ी के ब्रेक्स हैं वो ऑटोमेटिकली ही रिमोट से काम करते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं वो रिमोट ब्रेक काम कर रहा है, और जैसे ही मैं इसे अब पुश करता हूँ, गाड़ी के ब्रेक्स इंगेज हो जाते हैं। और ये रहा हमारा स्टीयरिंग का कंट्रोल, आप देख सकते हैं कि इधर जो टायर्स हैं वो भी मूव कर रहे हैं। देखो हमारी जो स्टीयरिंग है वो पूरी तरीके से रिमोट से कंट्रोल्ड है। देखो जैसे ही मैं इधर करता हूँ, हमारे जो टायर्स हैं वो इधर घूमने लग जाते हैं, और अगर मैं इसे फ्री छोड़ देता हूँ तो ये फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर आ जाती है। देखो ये आ गई, और इधर उधर घुमानी हो तो इधर, और साथ ही साथ गाइस बेसिक जो फंक्शंस होते हैं वो होते हैं स्टीयरिंग, ब्रेक और एक्सीलेटर। तो एक्सीलेटर भी रिमोट कंट्रोल से ही ऑपरेट होता है, बस वो गाड़ी के इंजन के अंदर ही हमने उसका सिस्टम बना रखा है, इसीलिए मैं आपको वो चीज़ नहीं दिखा सकता हूँ। और साथ ही साथ इसके जो गियर हैं, ये जो गाड़ी है ये मैनुअल है, और साथ ही साथ शायद आपको याद नहीं होगा, लेकिन हमने इस गाड़ी के साथ में एक बहुत बुरा एक्सपेरिमेंट किया था। हमने इसे किया गया था 70 से 80 की रफ्तार में चलाया था, और उसी टाइम में चलती हुई गाड़ी के अंदर ही रिवर्स गियर डाल दिया था, तो तब जो है इस गाड़ी का गियर बॉक्स टूट गया था। इस वजह से हम इसे, इस गियर बॉक्स को हमने ऑटोमेटिक नहीं किया, क्योंकि ये जुगाड़ से लगता है क्या, ये थोड़ा अपने ह्यूमन ही इस चीज़ को लगा सकते हैं। बाकी सारी चीज़ रिमोट कंट्रोल्ड है, बस जो क्लच है और जो गियर है उसे हमने अभी तक रिमोट कंट्रोल नहीं बनाया है। कोई दूसरी गाड़ी लेंगे तब उन्हें भी हम रिमोट कंट्रोल्ड बना देंगे। ऑलराइट गाइस, तो चलो अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और इसे रिमोट से चलाते हैं। एक बार सारे स्विचेस चेक कर लेता हूँ। ऑलराइट, अब इसे स्टार्ट करते हैं।
ठीक है। ओ हाँ, अब ठीक है। ऑलराइट गाइस, अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो गाड़ी है वो पूरी तरीके से, इसका जो एक्सीलेटर, अगर मैं खींचता हूँ, देखना, देखा? और साथ ही साथ अगर इसे बंद करना हो तो ये बंद भी रिमोट से ही होती है, देखना देखना। बंद है ना, पूरी तरीके से रिमोट कंट्रोल्ड। तो चलो अब इसे इस पूरे ग्राउंड के अंदर दौड़ाते हैं, एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं और फिर इसे ग्राउंड में दौड़ाते हैं। अब उनको डर लग रहा गाइस। वैसे है ना, मैं इतना बुरा ड्राइवर नहीं हूँ, लेकिन गाइस यार देखो, रिमोट से मैं भी गाड़ी को, इतनी बड़ी गाड़ी को पहली बार ही चला रहा हूँ, तो थोड़ा थोड़ा सा कंट्रोलिंग में मुझे भी है ना थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में, क्योंकि रिमोट देखो, स्टेयरिंग के ऐसे चक्कर काटने होते हैं, लेकिन रिमोट से जब कंट्रोल करते हैं तो बिल्कुल हल्का हल्का अपने को एक्सीलेटर देना होता है, हल्की हल्की किसी भी स्टेयरिंग काटनी होती है। अब की बार तुम उतर जाना गाड़ी से, ठीक है? एक बार और चला दे, एक बार कैमरा ले लो हाथ।
गाइस आज खुद को डर लग रहा है गाड़ी चलाने में। और मैं भी आ रहा। धीरे धीरे आराम कर। All right guys, गाड़ी रिमोट से चल रही है। ये रेस घंटा से डर लगता है, अभी इतने परफेक्ट नहीं है हम। All right guys, आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से गाड़ी के अंदर अभी कोई भी नहीं है, गाड़ी पूरी तरीके से रिमोट से चल रही है। चलने दो। ओए कैमरामैन हट जाइए। ओए गाड़ी तर चल रही कैसे लग रहा है अंदर बैठ के? बहुत मजा आ रहा है। बस मेरे को भटकाओ मत, मेरा ध्यान मत भटकाओ, ध्यान मत भटकाओ मेरा, वरना तुम सब जाओगे यहाँ से। डर लगा, डर लगा। डर लग रहा है, ठंडा है। बैठे रहो, सवारी बैठ रहे, सवारी ज्यादा किलकिलबाजी नहीं करेगी। गाइस तो यार मैंने यहाँ पर ब्रेक्स इंगेज कर दिए हैं, गाड़ी को बंद भी कर दिया है। ऑलराइट गाइस, यार जब गाड़ी दूर रहती है ना, तब जो है स्टीयरिंग किधर है उसका अंदाजा नहीं पड़ पाता है। इस वजह से मैंने जो है हमारी गाड़ी को क्रैश कर दिया, लेकिन ब्रेक्स वगैरह सभी अच्छे से काम करने की वजह से हमारी जो गाड़ी है वो सही समय पर रुक गई। वो ओह माय गॉड। अच्छा ये गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ तक तो मोड़ लिया था, लेकिन इस खड्डे के अंदर जाने के बाद हमारी गाड़ी बंद हो गई। आप देख सकते हैं कि गाड़ी के अंदर अभी कोई भी नहीं है, सारी चीज़ें रिमोट कंट्रोल से ही ऑपरेट हो रही है। तो गाइस यार आई होप आपको ये टाइटेनियम आर्मी के लेवल की गाड़ी जो कि रिमोट से चलती है ये पसंद ज़रूर आई होगी। आज तक इस गाड़ी ने बहुत कमाल धमाल किए, तो इस वीडियो के लिए, इस गाड़ी के लिए इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है। तो वैसे लाइक है मैं 5 लाख लाइक्स, ज़्यादा करो तो आपकी इच्छा है। बाकी अगर आपके दिमाग में और भी कोई कीड़ो हो, कोई सवाल हो या फिर कोई सजेशन हो तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हो सकेगा तो आपका भाई उसे ज़रूर पूरा करेगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। लव यू टाइटेनियम आर्मी, लव यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।